कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू है। इस बीच ओडिशा में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही ओडिशा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार से अपील की है कि 30 अप्रैल तक ट्रेन और विमान सेवा शुरू ना की जाए। पूरे राज्य में 17 जून तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। बता दें कि पूरे देश में 14 अप्रैल तक 21 दिनों तक लॉकडाउन है। इस बीच पूरे देश में लॉकडाउन को लेकर चर्चा है कि इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने भी बुधवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत में लॉकडाउन को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। आमे लॉकडाउन समय सीमा को अप्रैल 30 पर्यंत वृद्धि करबा को निष्पत्ति करिछु। राज्य कैबिनेट मध्य अप्रैल 30 पर्यंत लॉकडाउन समय वृद्धि करबा पाई केंद्र सरकार को सुपारिश करिछि। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है ओडिशा के अंदर। इसके साथ ही केंद्र से अपील कि किसी भी ट्रेन और प्लेन को ओडिशा में ना भेजें। 17 जून तक आपको बता दें कि एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ओडिशा के अंदर वो बंद रहेंगे। तो ये फैसला ओडिशा सरकार ने लिया है। हालांकि ओडिशा में अगर हम बात करें कोरोना पॉजिटिव केसेस की, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हालात काबू में ही रहे हैं, स्थिति अभी कंट्रोल में कही जा सकती है। सीधे रुख करते हमारे संवाददाता समरेंद्र राउत जुड़ गए हैं। समरेंद्र, ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की सीमा को बढ़ा दिया है, क्या वजह बताई जा रही है कि वाकई स्थिति वहां पर ऐसी कि लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ा? देखिए, पहले 22 तारीख से ही लॉकडाउन शुरू हो गया था, मार्च 22 से। इसी हालत में क्योंकि उड़ीसा जो राज्य है इसमें से 4.5 करोड़ की आबादी है और इसमें 30 जिले हैं और ज्यादातर जिले 14 जिले करीब तटवर्ती इलाके में है, जिसमें से ज्यादा फैलने का संभावना दिखाई जा रहा है। और लोग पहले अभी भी लोग देख रहे हैं, कुछ मार्केट में लोग अभी भी जो सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरता नहीं बरत पा रहे हैं। और कुछ इलाकों में ऐसा है कि भुवनेश्वर में आप देखिए अभी तक 33 करीब कोरोना पॉजिटिव मिला है। हालांकि 2000 से 2500 तक टेस्ट हो चुका है और इसमें से ज्यादातर देखा गया है कि बाहर से आने वाले, बाहर राज्य से और विदेश से आने वाले की संख्या ज्यादा है। और इसी मुश्किल घड़ी में क्योंकि कुछ विकल्प नहीं है और लोग भी अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं कि सचेतन नहीं है कि कोरोना क्या चीज है, वायरस क्या अटक हो सकता है, आखिरकार वायरस क्या है इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी हालत को देखते हुए कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी, जो 14 तारीख को खत्म होने वाला था लॉकडाउन, उसको और 30 तारीख तक, अप्रैल 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। और दूसरा चीज ऐसा है कि स्कूल जो जितने फंक्शन कर रहे हैं उड़ीसा में, उनको जून 17 तक बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि जो 10th में पढ़ रहे हैं, जो कि दूसरे साल में अपीयर करेंगे आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड पे, उनको पढ़ाई ऑनलाइन में किया जा रहा है और दीक्षा नाम का एक ऐप दिया जाएगा जिसमें से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। 10th में लगभग पढ़ाई शुरू हो गया है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जितने सरकारी अस्पताल है वहाँ पे लोग जो भय कर रहे थे जाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल को, उन राज्य सरकार की तरफ से सारे हॉस्पिटल खुला रखा गया है, सरकारी और गैर सरकारी भी जो हॉस्पिटल, और उसमें बताया गया है कि कोई डरने का कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि सारे जो कोरोना पॉजिटिव है उनको सरकारी हॉस्पिटल से दूसरे जगह जो शिफ्ट किया गया है या उनसे नहीं रखा गया है। तो जो भी कैपिटल हॉस्पिटल एक है राजधानी भुवनेश्वर में, वहां पे कुछ मरीजों को रखा गया है और सारे जो डॉक्टर हैं और पुलिस है और मीडिया कर्मचारी, इनको पास मिला है, इनको छोड़ के किसी को भी पास नहीं दिया गया है। सारे पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी गैर जिम्मेदारी ढंग से जो पेश आता है उनसे सख्ती से पेश आए। और 9 तारीख यानी आज सुबह ही मास्क पहनना जरूरी और बात जो कंपलसरी कर दिया गया है। हालांकि जो गाड़ी आवाजाही को भी रोका गया है, मोटरसाइकिल भी नहीं ले सकते कोई भी लोग अगर जरूरत ना पड़े तो। सबने यानी कुल मिलाकर ये पहला राज्य है ओडिशा जिसने लॉकडाउन को बढ़ाया है, 30 अप्रैल तक लॉकडाउन वहां पर लागू रहेगा। लेकिन इस सब के बीच में
हॉस्पिटल्स वहाँ के किस तरह से तैयार हैं इस क्राइसिस को झेलने के लिए, सामना करने के लिए, और वहाँ पर अभी आंकड़ा कितना है ये भी बताइए, क्या टेस्टिंग पर भी फोकस सरकार का है? ये देखिए, कल जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसे आदेश दिए हैं कि ना कि सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया जाएगा, तो इसका पालन हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में सबसे कम था मरीज कोरोना के प्रभावित संक्रमित जो संख्या, बीच में 10 दिन पहले इनका संख्या अचानक तौर पे बढ़ गया है। जैसे कि भुवनेश्वर सबसे बड़ा अफेक्टेड एरिया है, जहां पे 33 करीब पॉजिटिव पाया गया है और कंटेनमेंट में रखा गया है 3-4 एरियों को। जैसे कि आपको बता दूं, सत्यनगर, बोमीखाल, जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिला है, बोमीखाल एरिया और सत्यनगर और सूर्यनगर जो कि पॉस इलाका माना जाता है, इन तीन इलाकों को करीब कंटेनमेंट में रखा गया है सारे हॉस्पिटल। और आपको और एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो डॉक्टर रेशियो है 1701, मतलब 1700 मरीजों में एक डॉक्टर होता है, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। फिलहाल जो ये एक पॉजिटिव साइन मिला है कि जितने सारे रिटायर्ड डॉक्टर और जितने पहले जो डॉक्टर जो सरकारी के स्टोर में काम नहीं कर रहे थे वो भी आगे बढ़े हैं। और एक पॉजिटिव साइन आपको बता दूं उड़ीसा में, ये है कि उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन और दूसरे जो लोग हैं उनका 2 करोड़ का सहायता राशि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गैस पेंटी को भी दिए हैं और बाकी खिलाड़ियों को भी दिए हैं और बाकी जगह से भी उड़ीसा गवर्नमेंट को बहुत ही सपोर्ट आ रहा है। दूसरे इलाकों से उड़ीसा में काफी कम है, लेकिन उड़ीसा के जो सरकार 0 कैजुअलिटी लेके चल रहे थे, एक कैजुअलिटी परसों आया 6 तारीख को आया, जो कि 72 साल के थे, जिनका रेस्पिरेटरी डिजीज जो था और हाइपरटेंशन जो उच्च रक्तचाप जो था वो उसके बदले उनको मौत हो गया है। शुक्रिया समरेन तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे संवाददाता बताते हुए कि 30 अप्रैल तक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, 17 जून तक जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो बंद रहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी जुड़ गए हैं। प्रशांत टंडन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। उड़ीसा से खबर सर ये है कि उन्होंने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है, क्या आपको लग रहा है कि आगे इसी तरह से और जो दूसरे स्टेट्स हैं वो भी इस तरह के कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, लगभग सभी राज्यों ने सिस्टमैटिक ढंग से यानी फेज्ड मैनर में लॉकडाउन की सिफारिश की है और जो हमारे 11 वर्किंग ग्रुप्स हैं जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत बने हैं, उन सबकी भी राय यह है कि एकदम लॉकडाउन वैसे नहीं खत्म हो पाएगा जैसा कि सोचा गया था, तो फेस मैनर में ही होगा। एक जो चिंता की बात अब हो रही है कि जब लॉकडाउन बढ़ेगा और भले ही वो ट्रेनें उस तरीके से नहीं चल पाएंगी या बसें उस तरह से नहीं चल पाएंगी, हो सकता है कुछ जो है हॉट जोन्स को ज़्यादा आइसोलेट करें बाकी शहर में, इन सब के साथ साथ जो लाखों वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, उनको राज्य सरकारों को तुरंत राहत भेजनी चाहिए, क्योंकि वो उनका 15 दिन का समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो उनकी टेस्टिंग होकर और उनको अपनी अपनी जगह पे जाने का, अपने घरों पे जाने का कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए एक, और दूसरा कि उनको कुछ ना कुछ आर्थिक राहत, मान लीजिए कैंपों में वो रखे गए हैं तो कैंपों में उनको खाने का मिल रहा होगा, लेकिन उनको कोई ना कोई राज्य सरकारों की तरफ से भी अपने राज्यों के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और उड़ीसा के लाखों हैं पूरे देश में जो अभी तक अपने घरों पर नहीं पहुंच पाए जी, तो इस तरफ राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए तुरंत। ठीक है प्रशांत टंडन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, चूंकि कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फ्लो लीडर्स हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की थी और उसमें कई सुझाव भी अलग अलग दलों की तरफ से दिए गए, आपके सूत्र क्या बताते हैं, लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर चरणबद्ध तरीके से उसे हटाया जाएगा? चूंकि उड़ीसा ने तो फैसला ले लिया, वो तो बढ़ा रहे 30 अप्रैल तक। जी बिल्कुल, पहला राज्य है उड़ीसा जिसने लॉकडाउन का जो एक्सटेंड है वो किया है 30 अप्रैल तक, और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी कहा है कि वो भी
इसी जो जो चीज़ को जो कदम सरकार ने उड़ीसा सरकार ने उठाया उसको केंद्र सरकार को भी कदम उठाना चाहिए और 30 अप्रैल तक इसको एक्सटेंड करना चाहिए। आपको ध्यान होगा इससे पहले के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी केंद्र सरकार से लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की अपील की थी। कैबिनेट जो बैठक हुई थी अभी हाल ही एक दो दिन पहले, तो उसमें भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है उसमें ही कहा जा रहा है कि 11 या 12 तारीख को केंद्र सरकार इस पे विचार विमर्श कर सकती है और कोई नया ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। साथ ही साथ 11 तारीख को प्रधानमंत्री एक बार फिर से सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके राज्यों में क्या हालात है इस वक्त और क्या लॉकडाउन की जो स्थिति है उसको एक्सटेंड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इन सब तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और उसके बाद ही हो सकता है कि 11 तारीख की रात को या फिर 12 तारीख को कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री के दोबारा करी जा सकती है लॉकडाउन के एक्सटेंशन को लेकर या फिर कोई नया अपडेट वो जरूर जनता के सामने रख सकते हैं। लेकिन उड़ीसा सरकार ने एक बड़ा कदम यहां पर उठाया। साथ ही साथ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी 17 जून तक के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं। पहला राज्य बना है उड़ीसा और केंद्र सरकार से भी अपील की है कि जो सरकार ने कदम उठाया वो केंद्र सरकार भी उठाए और 30 अप्रैल तक। न सिर्फ उड़ीसा बल्कि तेलंगाना ने भी इस तरीके की अपील की है और तमिलनाडु ने भी इस तरह की अपील की है। शुक्रिया प्रशांत हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता प्रशांत बता रहे हैं कि 11 से 12 के बीच भी ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि एक्सटेंड होगा लॉकडाउन या फिर नहीं। प्रशांत टंडन जी, यहां पर दो फिर स्थिति बनती है, या तो लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ता है तो फिर क्या चुनौती, क्या करना चाहिए सरकार को, और अगर इसको हटाया जाता है तो वो क्या तरीका होना चाहिए और उसके आगे फिर क्या चुनौतियां होंगी जिससे डील करने की सरकार को जरूरत है। देखिए, जब आज हम 9 अप्रैल तक पहुंच गए हैं और 9 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते अभी तक, क्योंकि टेस्टिंग हमारे यहाँ कुल 1,67,000 की टेस्टिंग हुई है कल तक, तो जब इतनी कम टेस्टिंग हुई है तो हम अभी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि वायरस ने कितना पेनिट्रेट किया है, लेवल 3 पे कितना गया है, कितना सोशल ट्रांसमिशन हुआ है। इसके लिए लाखों टेस्टिंग करनी पड़ेगी, लाखों टेस्टिंग, रैंडम सैंपलिंग आप करेंगे तब आपको ये अंदाज मिलेगा कि हाँ लॉकडाउन कितना खोलें, कहाँ कहाँ खोलें। उसके अब कुछ हॉट स्पॉट जरूर आइडेंटिफाई हो गए हैं, लेकिन वो हॉट स्पॉट वही आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पे आपको सिम्टम्स मिले और टेस्टिंग हुई, वहाँ पे आपने उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर करके कर दिया। कुछ शहरों में, दिल्ली में कई जगह हो गया, लेकिन जब तक आप बड़े पैमाने पर टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपके पास वो डेटा ही नहीं होगा कि लॉकडाउन को कहाँ खोलना है, कितना खोलना है। हालांकि तमाम तरीके से विचार हो रहे हैं कि रेलवे को कितना खोले। जाहिर सी बात है कि रेलवे वैसी तो नहीं खुल पाएगी जैसी कि 24 मार्च तक थी, तो वो होगा फेज मैनर में ही, लेकिन वो फेज मैनर में करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा डेटा की जरूरत पड़ेगी, सैंपलिंग की जरूरत पड़ेगी। वो डेटा अभी तक वो टेस्टिंग उस पैमाने पर नहीं हो पा रही है, यानी 10 लाख लोगों में अभी भी हम लगभग 100 लोगों की ही टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जिन देशों ने कर्व को नीचे किया है या कर्व को फ्लैट किया है, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो साउथ कोरिया या जापान है, उन सब ने बहुत बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करने पर ही इसको काबू किया है। तो इस तरफ जी जी आप अपनी बात पूरी करिए, बहुत ही तुरंत जो है ध्यान देना चाहिए कि अभी तक हम 1 लाख लोगों की टेस्टिंग अगर रोज नहीं कर पा रहे तो ये बहुत बड़ी विफलता है सरकार की। हालांकि जरूर कहा गया था स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि 1 लाख तक हम टेस्टिंग की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा इसमें अमलीजामा कब तक पहनाया जाता है, क्योंकि बेहद जरूरी अब टेस्टिंग की ही है। लॉकडाउन सिर्फ आगे बढ़ाने या लॉकडाउन करने से ही काम नहीं चलेगा। शुक्रिया प्रशांत जी हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपने विचार शेयर करने के लिए।